वायरल अड्डा में आपका स्वागत है। मैं सुहानी सिंह, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज हम बात करेंगे कि यूपी के फिरोजाबाद में एक सरकारी अस्पताल में घूंघट डालकर आम मरीजों के बीच महिला आईएएस अफसर पहुंची, वीडियो हुआ वायरल। आगे बात करेंगे कि मेरठ के एक मंदिर में चोर ने बड़े ही भक्ति भाव से चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही बात करेंगे कि मुरैना जिले में 70 साल के एक बुजुर्ग ने 100 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय का रेस्क्यू कर अदम्य साहस का न केवल साहस का परिचय दिया, अब बुजुर्ग की साहस और हिम्मत के सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टाफ को पता चला कि घूंघट डालकर अस्पताल में आम मरीजों के बीच महिला आईएएस अफसर पहुंच गई हैं। फिरोजाबाद के एसडीएम कृति राज ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो अस्पताल में चल रही कई खामियां से पर्दा उठ गया। उन्होंने लापरवाही की जांच आदेश दिए हैं। अब महिला अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। फिरोजाबाद के एसडीएम सदर कृति राज ने मंगलवार को दीदा मई स्थित शकीला नमई स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण किया। वह यहां बिना किसी सरकारी अमले और सरकारी गाड़ी लिए साधारण गांव की महिला मरीज की तरह पहुंची। वह घूंघट डालकर अस्पताल के अंदर पहुंची ताकि कोई पहचान ना सके। इसके बाद लाइन में लगकर बकायदा पर्ची कटवाई। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब व्यवहार की शिकायत मिल रही थी। इसी को जानने के लिए महिला अफसर इंस्पेक्शन करने पहुंच गई। बता दें, महिला आईएएस को वहां कई गड़बड़ियां मिली। अस्पताल में बहुत सारी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थी। अस्पताल के स्टाफ का व्यवहार भी मरीजों के साथ ठीक नहीं था। इसके अलावा कई कर्मचारी ऑन ड्यूटी होकर अनुपस्थित पाए गए। साथ ही अस्पताल में बेहद गंदगी के मामले भी देखने को मिले। अब बता दें कि मामले में एक्शन लेते हुए एसडीएम कृति राज ने जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब उनका अस्पताल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर लोग तरह तरह के प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से उनका वीडियो साझा कर बीजेपी पर निशाना साधा है। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी, लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ़ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी, इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे, किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं, रिपोर्ट भेजेंगे आप जी। सवाल ये कि जिस डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वही डॉक्टर मरीजों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरठ के एक मंदिर में चोर ने बड़े ही भक्ति भाव से चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर पहले मंदिर में घुसा, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रणाम किया, इधर उधर देखा और आखिर में नाग देवता की मूर्ति को अपने झोले में डालकर फरार हो गया। उसकी ये हरकत मंदिर में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर नाग देवता की मूर्ति तांबे की बनी थी, चोर उसे ही उठा कर ले गया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस अब इस चोर की तलाश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पूरी घटना मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर की है, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। मंगलवार को जब इस मंदिर में जब लोग पूजा के लिए पहुंचे तो उन्हें नाग देवता की मूर्ति गायब मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी गई,
जांच पड़ताल के दौरान जब सीसीटीवी चेक किया गया तो पूरी वारदात का पता चला। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस मामले की अभी कोई तहरीर नहीं आई है, लेकिन वीडियो का संज्ञान लेते हुए चोर की तलाश की जा रही है। जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। मुरैना जिले में 70 साल की एक बुजुर्ग ने 100 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय का रेस्क्यू कर अदम्य साहस का न केवल साहस का परिचय दिया है, बल्कि गाय को सुरक्षित निकालकर ये साबित भी कर दिया है कि इंसान अगर कुछ ढाल ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब साहसी बुजुर्ग इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह कि जब पुलिस ने नगद इनाम देना चाहा तो बुजुर्ग ने इनाम लेने से साफ इनकार कर दिया। जिले के सराय छोला थाना इलाके का यह मामला है। मंगलवार को धुआंराम का पूरा गांव एक गहरे कुएं में गाय गिर गई थी। गाय गिरने के बाद इलाके में भीड़ तो बहुत जुट गई, लेकिन उस गाय का रेस्क्यू करने और गहरे कुएं में अंदर जाने के लिए कोई भी ग्रामीण तैयार नहीं हुआ। ऐसे में गांव के ही बुजुर्ग दीवान सिंह कशाना ने हिम्मत दिखाई और आगे आकर खुद कुएं में जाने की इच्छा जाहिर की। दीवान सिंह रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और फिर उन्होंने कुएं में गिरी गाय को मोटे रस्सों से बांधा, फिर ऊपर घाट पर मौजूद लोगों की मदद से रेस्क्यू कर गाय को बाहर सुरक्षित निकलवाया। इसके बाद खुद बुजुर्ग दीवान सिंह रस्सी की मदद से बाहर आए। बुजुर्ग की हिम्मत और सराहनीय कार्य की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। साथ ही भीड़ में मौजूद सभी युवाओं के सामने ये साबित भी किया कि उम्र किसी की मोहताज नहीं होती, बस हौसले बुलंद होने चाहिए। अब वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो देखकर तो यही कहावत याद आ रही है कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। वायरल अड्डा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।